मिशन 2023 की तैयारी में जुटे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह लगातार अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। जहां इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन की सीख दी, वहीं दिग्गीराजा के लगातार हो रहे दौरों पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने तंज कसा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यहाँ जो रुकेगा उससे मैं नहीं मिलने वाला। भड़क उठे, आपा खो बैठे, चलो 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 भैया बाहर चलो। और ये इंदौर में भी कहते हैं निकलो निकलो, ओ साथ चलो बाहर, ओ साथ चलो बाहर। और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। चलो भैया बाहर चलो चलो चलो। और साथ ही दिग्विजय सिंह जी ने कि हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता है, कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को कहते हैं निकलो निकलो और कमलनाथ कार्यकर्ताओं को कहते हैं चलो चलो। इस तरह से ये कांग्रेस को जोड़ रहे हैं और सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। देखिए कहने को तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो प्रदेश की 66 हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार उनके विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं को देखकर पत्रकार वार्ता वाले हॉल में भड़क उठे, आपा खो बैठे और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी बुरहानपुर में वो एक मंच पर एक अल्पसंख्यक नेता को कहते हैं निकलो निकलो, और ये इंदौर में भी कहते हैं निकलो निकलो, और कमलनाथ जी कहते हैं चलो चलो, एक कहता चलो चलो, एक कहता निकलो निकलो। इस तरह से कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। और साथ ही दिग्विजय सिंह जी ने एक सच्चाई और इंदौर में स्वीकार करी कि हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता है। पहले कह चुके हैं हमारा संगठन कमजोर है इसलिए जनता हमें वोट नहीं देती। अब खुद मान रहे हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता इसलिए हम चुनाव हारते हैं। तो जिस पार्टी में संगठन कमजोर है, जिस पार्टी में बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, जिस पार्टी में अनुशासनहीनता है, वो पार्टी आज सपने देख रही सरकार बनाने के। समझा जा सकता है इनकी पार्टी की क्या स्थिति और दिग्विजय सिंह जी किस अभियान पर निकले ये समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिशन 2023 की तैयारी में जुटे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह लगातार अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। जहां इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन की सीख दी, वहीं दिग्गीराजा के लगातार हो रहे दौरों पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने तंज कसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज, इंदौर।